हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जिलेट 2021 मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर। तो आज का इस सेशन में हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो क्लास में हम लोगों का ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। तो आज का इस मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर सेशन में हम लोग मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वेक्टर, पार्शियल डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक, किसी भी टॉपिक अगर आप लोग मिस कर गए हैं तो आज का क्लास का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हेलो एवरीवन, तो ये है आज का हम लोगों का जिलेट सेट वन का मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है मैट्रिक्स टॉपिक के ऊपर। कोफैक्टर ऑफ -3 इन द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 2 -3 4 1 0 1 0 -1 4 इज, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी -4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। तो हम लोगों को करना क्या है, -3 का कोफैक्टर फाइंड करना है इस डिटर्मिनेंट के अंदर। तो पहले देखना है कि -3 जो एलिमेंट है ये डिटर्मिनेंट में कहाँ पर है। तो हम लोगों को फर्स्ट रो का जो सेकेंड एलिमेंट दिख रहा है वहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर -3 है। तो -3 का कॉलम और रो हम लोगों को बंद कर देना है। और कोफैक्टर में क्या होता है, साइन भी लेना पड़ता है। तो प्लस माइनस प्लस, तो -3 के लिए माइनस साइन है और -3 का कॉलम और रो को बंद करेंगे तो कौन सा डिटर्मिनेंट बचेगा, 1104। तो इसको 2x2 डिटर्मिनेंट तोड़ने का रूल, 4x1 -0 यानी कि 4। तो पहले है माइनस, तो इस प्रॉब्लम का आंसर है -4 जो ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है। तो हम लोगों को एग्जाम के टाइम बी ऑप्शन में क्लिक करना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ द मैट्रिक्स x315 इज सिंगुलर देन x इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी 2। तो पहले जो मैट्रिक्स है उसको हम लोगों ने क्या किए, एक कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं जो है हम लोगों का कैपिटल ए, क्योंकि मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब मैट्रिक्स सिंगुलर है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो मैट्रिक्स था कैपिटल ए, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब मैट्रिक्स का जो सिंबल था वो डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा और एलिमेंट जो है वो सेम रहेगा, मतलब x315 इज इक्वल टू 0। तो 2x2 डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 5x-3 इज इक्वल टू हो रहा है 0, दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 3/5 जो ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये एक पार्शियल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है और ऑब्वियसली डेल टू जेड दिख रहा है, मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है इफ जेड इज इक्वल टू 3x2y देन डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 3y, ऑप्शन बी 6x, ऑप्शन सी 6y, ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। तो पहले जो जेड है इसको हम लोगों ने लिखे हैं, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 3x2y। अब डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई कैसे करके फाइंड करेंगे कि डेल डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स डेल डेल एक्स ऑफ जेड मतलब 3x2y। तो यहाँ पर 3 और y ये बाहर आ जाएगा और डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। तो फाइनली हम लोगों को मिल रहा है कितना, 6xy। अब हम लोगों को डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई फाइंड करना है। तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई कितना होगा, डेल डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। एक पॉइंट नोट करना है कि लास्ट में जो दिख रहा है डेल वाई, तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू कितना होगा, डेल डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल डेल वाई ऑफ 6xy। अब हम लोगों को y का रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो 6x बाहर आ जाएगा क्योंकि 6 भी कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है y का रिस्पेक्ट में। तो डेल डेल y ऑफ y हो जाएगा 1। तो इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर है हम लोगों का 6x जो ऑप्शन b के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2x2 प्लस 4y dx प्लस 4x प्लस y माइनस 1 dy इज एग्जैक्ट, ट्रू और फॉल्स।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग तभी एग्जैक्ट बोलते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, जब डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होता है। तो यहाँ पर एम और एन क्या है, तो डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है हम लोगों का एम, और डी वाई के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है हम लोगों का एन। तो पहले हम लोग क्लियरली लिखे हैं कि m इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4y और n इज इक्वल टू 4x प्लस y माइनस 1। तो डेल m बाई डेल y कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि y का रेस्पेक्ट में x का पार्शियल डेरिवेटिव होता है 0, और डेल n बाई डेल x कितना हो जाएगा, 4। और क्लियरली दिख रहा है कि दोनों जो वैल्यू है, डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x, दैट मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्ट है, मतलब ऑप्शन ए है ट्रू। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू ऑप्शन ए u, ऑप्शन बी 2u, ऑप्शन सी 3u, ऑप्शन डी नन। तो प्रॉब्लम है पार्शियल डेरिवेटिव का, और फॉर्म देख के पूरा हम लोगों को क्लियर पता चल चुका है ये जो प्रॉब्लम है ऑयलर्स थ्योरम का प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को होमोजीनियस दिखाना है और डिग्री ऑफ होमोजीनिटी यानी कि एन का वैल्यू कलेक्ट करना है। तो यू मतलब यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, तो यू इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो होमोजीनियस के टाइम क्या करना पड़ता है, दोनों साइड x के जगह पर के x और y के जगह पर हम लोगों को के y पुट करना पड़ता है। तो u के x कॉमा के y कितना हो गया, x के जगह पर हो गया के x उसका होल स्क्वायर, एक्स वाई हो गया के x इंटू के y प्लस वाई स्क्वायर हो गया के y उसका होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स वाई प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यू के एक्स कॉमा के वाई के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स के स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसका मीनिंग क्या है, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो होमोजीनियस का जो फॉर्म होता है ये इसके साथ मैच हो गया, देयरफॉर यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर कितना, के का जो पावर होगा यानी कि 2। अब हम लोग ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग ऑयलर्स थ्योरम वी हैव x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू यू। तो यहाँ पर n का वैल्यू है 2, तो आंसर हो जाएगा 2u। तो कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, ऑप्शन बी है इस प्रॉब्लम का सही आंसर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स उसका होल स्क्वायर होल टू द पावर 2/3। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रैक्शन से फ्री होना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम है राइट हैंड साइड में 2/3 है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है 3 के वजह से फ्रैक्शन हो रहा है। तो जिसके वजह से फ्रैक्शन हो रहा है उसी नंबर से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो बोथ साइड अगर हम लोग क्यूबिक करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू बाई उसका होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स उसका होल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो ऑर्डर कितना होता है, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है यानी कि 2, और डिग्री कितना होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो डिग्री यानी कि ऑर्डर का जो डिग्री यानी कि 3। तो ऑर्डर है 2, डिग्री है 3, मतलब इस प्रॉब्लम का सही ऑप्शन है 2/3 जो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन आर वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इसका चारों ऑप्शन है। तो वाई जो नॉर्मल इक्वेशन है कैसे करके इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्वर्ट करेंगे, तो वाई में देखना है कि कितने सारे इसमें कॉन्स्टेंट है। तो क्लियरली दिख रहा है वाई जो इक्वेशन है इसमें ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट है, मतलब वाई को हम लोग मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो वाई को अगर हम लोग 1 बार डेरिवेटिव करेंगे तो ए साइन एक्स के लिए हो जाएगा कॉस एक्स, बी कॉस एक्स के लिए हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। दोनों साइड और 1 बार x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यही था हम लोगों का y
तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वाई। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन बी, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वाई। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये क्लियरली दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट का एक प्रॉब्लम है। इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन व्हेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी नन। तो ओमेगा का दो प्रॉपर्टी हमेशा हम लोगों को याद रखना है, एक है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन और दूसरा है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो प्रॉब्लम है पहले हम लोग अप्लाई किए हैं कि सी वन को हम लोग नया कॉलम बना रहे हैं, कैसे करके सी वन डैश इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, मतलब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है जीरो। तो एक डिटर्मिनेंट का अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम अगर जीरो है मतलब उस पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है जीरो। तो ये जो डिटर्मिनेंट था इसका वैल्यू कितना हो रहा है जीरो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऑप्शन ए के साथ हम लोगों का मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड b वेक्टर इज इक्वल टू जे आई वेक्टर प्लस जे माई प्लस टू के वेक्टर इज ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ऐसे करके a डॉट b इज इक्वल टू दोनों जो वेक्टर था उसको लिखे। अब डॉट प्रोडक्ट के टाइम क्या याद रखना है, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k होता है 1। ये छोड़ के अदर जो एलिमेंट जैसे कि i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i ये सब हो जाएगा 0। तो यहाँ पर i डॉट i मीन्स 2 इंटू 1 माइनस माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 2। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो रहा है 3, जो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। तो आज का मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर सेट 1 का जो लास्ट हम लोगों का प्रॉब्लम है, द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इज नोन एज सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक डायगोनल नॉन ऑफ दिस। तो पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग एक नाम देंगे जो है हम लोगों का कैपिटल ए। तो किसी भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या क्यू सिमेट्रिक चेक करने का टाइम कैसे हम लोग चेक करते हैं कि ए ट्रांसपोज हम लोग पहले फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज अगर ए आ गया तो वो है सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर माइनस ए आ गया तो वो है हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, मतलब फर्स्ट जो रो था वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड जो रो था वो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड जो रो था वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। होने के बाद ये क्लियरली दिख रहा है कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। तो माइनस से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने सारे एलिमेंट है हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का बाद हो क्या रहा है कि ए वापस आ रहा है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो रहा है। तो हर किसी को पता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर माइनस से आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन बी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही था हम लोगों का आज का सेट 1 यानी कि मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर का पहला सेशन का क्लास। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।